नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि इस प्रकार के स्टूटी को आप बेकार पड़े रूपानी हवाई चप्पल से स्टूटी को दोस्तों बड़े आसानी से अपने घर में अपने हाथ से रिपेयर कर सकते हैं। ये रूपानी हवाई चप्पल की मदद से किस प्रकार से स्टूटी को रिपेयर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टूटी की लाइन की सप्लाई टंकी से बंद कर देते हैं। टंकी से इस लाइन का पानी बंद करने के बाद दोस्तों इस स्पैनर की मदद से स्टूटी के ऊपर वाले हिस्से को इस प्रकार से खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इस वाले हिस्से को भी निकाल लेंगे जिसमें ये वाशर लगा होता है, और देखेंगे दोस्तों ये वाशर कट चुका है जिसकी वजह से अपना ये टैप लीकेज कर रहा है। तो सबसे पहले एक ये स्क्रू ऊपर लगा होता है उसको भी हम स्पैनर की मदद से इस प्रकार से खोल लेंगे। खोलने के बाद ये वाशर इस प्रकार से निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोस्तों ये देखेंगे ये वाशर की कंडीशन दोस्तों कट चुकी है और ये खराब हो चुका है जिसके कारण अपना ये टैप लीकेज कर रहा है। तो हम दूसरा वाशर बनाने के लिए दोस्तों इस प्रकार का एक हवाई चप्पल लेंगे। इस चप्पल में दोस्तों ये तीन सपोर्ट बने होते हैं जिससे आप तीन टोटियाँ बड़े आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इस टोटी को रिपेयर करने के लिए चप्पल के आगे वाली हिस्से का ये वाला पार्ट यहाँ से चाकू की मदद से काट लेंगे, इससे इस टोटी का वाशर बनाएंगे। जैसा कि दोस्तों हमने इस चप्पल के ऊपर वाले आगे वाले भाग का ये हिस्सा काट लिया है, अब हम इसको इस रेगमाल में रगड़कर आगे और पीछे दोनों सतह बराबर कर लेंगे। आगे और पीछे दोनों तरफ के सतह को बराबर करने के बाद हम इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस वाशर के सेंटर में एक होल कर लेंगे। होल करने के बाद दोस्तों टूटी में जो स्पेंडल लगा था जिसमें अपना वाशर लगा था उसको ले लेंगे और इस वाशर को इस प्रकार से इसमें लगा लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों इस चप्पल के ऊपर वाले हिस्से से हमने इस वाशर को बनाकर इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें ये जाम नट लगा देंगे उसी प्रकार जिस प्रकार से इसमें पहले जाम नट लगा था, और स्पैनर की मदद से इसको थोड़ा सा दोस्तों टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों ये पार्ट इसी प्रकार से इस टोटी में रख देंगे। रखने के बाद इस टोटी के ऊपर वाला हिस्सा इस थ्रेड की मदद से इसमें टाइट कर देंगे और स्पैनर की मदद से दोस्तों थोड़ा टाइट कर देंगे। अब हम दोस्तों इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसकी टेस्टिंग के लिए दोस्तों हम ऊपर से इस लाइन की सप्लाई चालू कर देते हैं। इसकी टेस्टिंग के लिए दोस्तों हम यहाँ से इसको ऑफ करेंगे, और ये देखिए ये परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। इस प्रकार की टोटी को बिना किसी लागत और बिना किसी खर्चे के बड़े आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये दोस्तों चप्पल की मदद से ये टोटी दोस्तों परफेक्ट तरीके से रिपेयर हो चुका है। ऐसे ही अद्भुत जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। ऐसी ही अद्भुत और अनोखी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।